अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अब मैं आपको आगे का बटुआ बनाना बताती हूँ। ये देखिए हमारा पूरा बटुआ तैयार हो गया है। इस तरीके से हम अपनी लेंथ के हिसाब से इसे पूरा तैयार करेंगे। बेस मैंने बनाकर उसके ऊपर आपको बताया था बनाने। ये देखिए डोरी, ये डोरी आज मैं आपको बनाना बताऊँगी। इसकी इसे का मुँह बंद करने के लिए हम डोरी बना रहे हैं बटुए का। उसके लिए हमें दो चैन लेना है, एक दो। दो चैन लेने के बाद फर्स्ट चैन में हमें एससी करना है। पलट कर जो फर्स्ट चैन थी उसमें मैंने एससी किया। एससी करने के बाद हमें टर्न करना है, लेस के जैसा बनेगा ये। लेस जिस तरह हम टर्न करते हैं वैसे वैसे टर्न करके अभी यहाँ नीचे की तरफ हमें एक थ्रेड मिलेगा जी एससी का, उसमें से हमें नीडल पास करके नेक्स्ट एससी लेना है। फर्स्ट एससी का जो थ्रेड है नीचे की तरफ उसमें से हमें धागा को पास करके नेक्स्ट एससी लिया, फिर उसे टर्न करना है। फिर नीचे की तरफ हमें दो धागे, दो लाइन दिखेगी थ्रेड की, दोनों थ्रेड की लाइंस को उठाया है हमने और इसमें से नीडल पास किया और एससी के ये देखिए मैंने एससी किया, फिर उसे टर्न किया, फिर यहाँ पे दो धागे दिख रहे हैं नीचे, उन दोनों को मैंने नीडल में उठाया, वहाँ से थ्रेड पास करके एससी लेना है, देन एससी फिर से टर्न किया, ये मैंने ऐसे से दो थ्रेड मैंने उठाए, एक दो। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ज़रा, हाँ ये इसमें से मैंने नीडल को पास किया और ये इसमें एससी कंप्लीट है। इसी तरह हमें थोड़ा हाफ इंचेस जितना बनाना है, नियर अबाउट हाफ टू वन इंच लीजिए डोरी के कॉर्नर्स बनाने के लिए। जो साइड में एजेस निकले हुए रहते तो वो बुरे लगते निकले हुए, तो डोरी के एजेस को सही करने के लिए हम इसे तकरीबन आधा से पौना इंच बनाकर फिर इसका एक लूप बनाएंगे। ये पीछे दो धागे आपको दिखेंगे टर्न करने के बाद, उन दोनों थ्रेड में से नीडल को पास करके हमें एससी बनाना है। ये देखिए मेरा इतना रेडी हो गया है, तकरीबन हाफ इंच है ये। ये मैंने इसे टर्न किया इस तरीके से, एक छोटा सा ऐसे बॉल जैसा बनेगा ये। अभी नीडल को बैक साइड से फ्रंट में पास करके जो हमारा यान है उसे हम आगे की तरफ खींच लेंगे, ये इस तरीके से बैक से हमने से जॉइंट कर दिया है। फिर मैंने एक चैन लिया और ये जो साइड दिख रहे हैं आप, साइड जहाँ से थ्रेड निकल रहा है वहाँ से हम दो लूप दिखाई देंगे आपको, जो एससी के खड बनाने में हमारे लूप्स तैयार होते हैं उनमें से हमें इसे पास करके एससी बनाना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा, एक लूप तैयार हो गया है। अभी हम अपनी वही डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। एक एससी लिया हमने, देन अगेन टर्न करके बैक साइड में दो यान दिख रहा है उसमें से पास करके दोनों में से फिर एक एससी लिया, फिर ये दो थ्रेड के दो धागे आपको दिखाई देंगे बैक, जब हम टर्न करेंगे तो दो धागे दिखाई देते, दोनों में से नीडल को पास करना है, दोनों में से नीडल को पास करते हुए एससी लेना है। बस आप एक एक एससी करके टर्न करते जाइए और वही दो थ्रेड में से नीडल को पास कीजिए। ये देखिए मैं बस ये दो थ्रेड में से नीडल पास करके एससी लेती हूँ और फिर उसे टर्न कर देती हूँ। इस तरह से आपकी पूरी डोरी जितनी लंबी आपको चाहिए उतना लंबा कंटिन्यू करके फिर लास्ट में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है बॉल बनाना, ये ठीक उसी तरह आप एंड में भी लेंगे। ये जो आपके थ्रेड निकले हुए होते हैं उन्हें पास कर दीजिए जहाँ तक हो सके आपको, अगर जितना हो सके, और फिर उसे थ्रेड से कट कर दीजिए। जब हम लास्ट लाइन पर हमारा कंप्लीट होएगी डोरी तब हम लास्ट में भी इसी तरह का बॉल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें एंड में भी बनाना है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बन, देखिए ये दोनों एंड में और स्टार्ट में
बनता है। और आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए उतनी बनाइए, ज़्यादा लंबी चाहिए तो ज़्यादा भी अच्छी लगती है, खूबसूरत। ज़्यादा छोटी मत बनाइए, इसकी नॉट पूरी बननी चाहिए। ये देखिए मैं आपको नॉट बनाकर बता रही हूँ, इसकी नॉट जो है पूरी नॉट रेडी होनी चाहिए, तभी खूबसूरत लगेगा। और थोड़ा सा नीचे लटकना भी चाहिए, इतनी लंबी चाहिए। ये देखिए मैंने हैंडल बनाया हुआ है, ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी बनाना। और हैंडल्स को यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे, हमें सुई धागे से इसे स्टिच करना होगा। ये बीडेड हैंडल है, ये देखिए ये हैंडल है, इसमें बीड्स लगे हुए हैं बीच में, मैंने ये छोटी छोटी सी बीड्स यूज़ की है। और इसके जो सुराख होता है बीड्स का, वो थोड़ा मोटा होता है। ये आपको 10 रुपये की 10 ग्राम मिलती है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मोटे नाके वाली बोल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी आराम से। ये मैंने उसे बीड्स को थ्रेड में पास करने के लिए क्रोशेट नीडल यूज़ किया है। ये 1.1 mm है, 1.1 mm की नीडल है, 1.1 mm में ही ये पास हो सकती है। पहले मैंने नीडल में बीड्स को डाला, आप एक एक करके डालिए, दो दो करके डालिए, तीन तीन करके डालिए, आपके ऊपर है। एक एक भी कर पास करेंगे तो चलेगा। पहले नीडल में से सेट कर लें, फिर से थ्रेड में फंसा लें, देन एक एक करके से थ्रेड में पास करें। थ्रेड में पास करना आसान नहीं होता है, इसके लिए मैंने ये तरीका अपनाया हूँ। सुई से करने जाएंगे आप तो सुई से वो नहीं जाता है, थ्रेड जो है सुई में पास नहीं होता। और जिस सुई में थ्रेड पास होएगा वहाँ से आपकी बीड्स जो है, मोतियाँ जो है अटक जाती है। ये मैंने सब एक एक करके तकरीबन 21 बीड्स मैंने यूज़ करी हूँ, तो 21 बीड्स आप पास कर लीजिए। फिर जिस तरह आप स्टार्ट करते हैं क्रोशेट, उसी तरह स्टार्ट कीजिए। एक लूप, एक चैन, मतलब एक चैन लीजिए। चैन लेने के बाद हम इसमें अपनी बीड्स को फंसाएंगे। अभी ये मैंने मोती लिया, देन मोती के ऊपर की तरफ से हम एक और चैन लेंगे। चैन थोड़ी लूज़ लें, चैन इतनी लूज़ रहनी चाहिए कि मोती के आसपास पूरा घेरा बन जाए। एक चैन, अब जो घेरा बनाया है हमने चैन का, देखिए मोती बीच में है और चैन के घेरे के। अब एक थ्रेड के ऊपर हम तकरीबन एक साइड 5 ऐसी लेंगे। मैंने एक साइड का जो चैन का है, एक साइड के उसमें लूप में डाल डाल कर 5 ऐसी कंप्लीट करें। आप 5 लीजिए, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बड़ा बनेगा, 6 से 7 लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए, नहीं तो बीड्स जो है वो अलग अलग दिखने लगेगी फ्लावर से। 5 का परफेक्ट फ्लावर बनेगा। एक साइड देखिए, ये मैंने 5 एससीज लिया है, एससी लीजिए। अभी हम दूसरी तरफ जाएंगे, एक साइड 5 कंप्लीट करके अब हम अपनी नीडल को थ्रेड बीड्स के सेकंड साइड में लेंगे और वहाँ भी हम 5 एससी कंप्लीट करेंगे। 5 और 5 10 हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा लूज़ हाथ लीजिए, ज़्यादा टाइट हाथ मत लेना, थोड़ा लूज़ हाथ लेने से फ्लावर ज़रा खूबसूरत लगते हैं। देन मैंने स्लिट स्टिच से उसे ज्वाइंट कर देना है। ये हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया। इसी पर दूसरा फ्लावर बनाने के लिए पहले हम एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद हम अपना बीड्स को फंसाने, चैन को थोड़ा लूज़ करें। चैन को लूज़ करने के बाद बीड्स के ऊपर के थ्रेड को लेकर, देन चैन। अब बीड्स को बराबर चैन के बीच में, जो चैन आपने ली है, सॉरी, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरीके से उसे बराबर बीच में सेट कर लें आप। और सेट ना भी करें, जब आप उसे बनाने लगेंगे तो वो अपने आप सेट हो जाएगी।
चेन के एक साइड में 5 लूप, 5 SC, देन नेक्स्ट साइड में 5 SC, 5 SC, 5 SC। ये देखिए मेरा बटुआ पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरी डोरी, हैंडल, बेस, हर चीज़ रेडी है। ये देखिए इसकी बेस पूरा SC से टर्न करते करते जो हमने बनाया था, और फिर ऊपर का पोर्शन जो हमने बताया था आपको बनाने, ये डोरी और ये हैंडल, मैंने 2 पार्ट में इसको कंप्लीट किया है। आप चाहे तो इसमें कपड़ा भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें थ्रेड से सी दिया है, इसे स्टिच किया है, इसे मैंने बनने के बाद इसे आप स्टिच कर लें। मैं आपको खोल के बताती हूँ अंदर का। मैंने इसमें कपड़ा लगाया है, अगर आपको कपड़ा लगाना भी सीखना है तो वो भी मैं आपको ट्यूटोरियल बता दूँगी। आप मुझे कमेंट्स कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर, तो मैं आपको, अगर जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, इंशाल्लाह जितना हो सकेगा आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है हैंडल, ये इसमें मैंने हाथ में भी पहन के बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्प्रेस।